चंडीगढ़ में मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एंटरप्रेन्योर एंड अचीवर्स अवार्ड 2023 आयोजित किया गया। We are fortunate to have many talented and innovative entrepreneurs among us. They have taken risks and have worked tirelessly to turn their dreams into reality. They have created jobs, contributed to the economy and have made a positive impact on society. We are honoring the champions who have shown exceptional leadership, innovation and vision. They have demonstrated that with hard work and perseverance, anything is possible. Under their leadership, our country has witnessed remarkable progress and we are confident that they will continue to work towards reaching the zenith. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सार्वजनिक जीवन, प्रशासन, शिक्षा, कला, संस्कृति और आर्थिक क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर एंटरप्रेन्योर एंड अचीवर्स अवार्ड 2023 प्रदान करते हुए प्रतिभाओं को सराहा और समाज कल्याण में विशिष्ट योगदान करने के लिए आग्रह किया। हमने मीडिया फेडरेशन के अंदर अभी पिछले साल से कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप करना शुरू किया है, जहाँ पे पत्रकारिता पढ़ाई होती है, मास्कों पढ़ाया जाता है उन यूनिवर्सिटीज में, जैसे चौधरी चरण सिंह है, नीम्स है, एचएसएनसी है, जेएनयू है, इवन यहाँ तक के लिए पहले पैदल और रशियन गवर्नमेंट के साथ हमारा क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम सर प्रेस की तरफ जाता है, तो वो जो नेपोलियन के वर्ड्स याद आते हैं कि आई फियर वन पेन मोर देन 100,000 स्पोर्ट्स। सो बहुत ताकत है मीडिया में और चीज़ को अच्छी तरफ भी लेके जा सकते हैं, चीज़ को बुरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। और जो विचार अभी मैंने सुने उस पर पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आई है मुझे, और सब यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ देखने से, कुछ कहते हैं ना, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो तो पहला पेज मत पढ़े न्यूज़पेपर का। जब मैं छोटा था तो हमने बताया गया था कि यू हैव हाइपरटेंशन, सो फर्स्ट दो पेज स्किप कर जाए, सीधा हरी न्यूज़ पे जाए आप, या लास्ट पेज पे चले जाए, स्पोर्ट्स पेज पे चले जाए। सो बहुत ताकत है प्रेस में, कोई डाउट नहीं है, और ताकत के साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। पहले लंगर की व्यवस्था हुई थी, सारा दिन लंगर वगैरह चला और सब कुछ करने के बाद भी रात के समय में 700 से 750 लोगों का खाना बच गया। अब 9:30 बजे मंदिर वालों को भी नहीं पता इस खाने का करेंगे। उन्होंने किसी तरह गवर्नमेंट आर्मी को रीच आउट किया, हमारे वॉलंटियर्स ने वो खाना कुछ घंटों में पिकअप किया, चंडीगढ़ की सड़कों से लेकर पीजीआई के कैंपस तक उस खाने को अपने 2.5 से 3 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन का वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रोल रहा है और स्पेशली इन द लास्ट 2 ईयर्स और भी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया गया है। और मेडिकल फील्ड में मुझे काम करते हुए कोई 30 साल के करीब हो गए और काफी प्रोग्रेस हुई,
मैं बेसिकली हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर करता हूँ, और जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी तो उस समय हार्ट अटैक की, बाकी बीमारियों की, हार्ट की बहुत ज़्यादा इलाज नहीं थे, और जर्नी बढ़ती गई, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए और मरीजों की हम काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकते थे। बट ये एक पार्ट है। दूसरा जो हमें काफ़ी बॉदर करता है वो ये है कि बीमारियाँ हार्ट की इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम चांद पर भी हमें पहुंचने का मौका मिल जाएगा थोड़ी देर में, साइंस की तरफ बात करें, इंटरनेशनली इकोनॉमिक की तरफ बात करें, किसी भी तरफ बात करें, तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी एक्सटेंसिवली एंड ऑक्युपाइंग इट्स प्लेस एट द टॉप ऑफ टेबल एट द कमिटी ऑफ नेशंस। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मेडिकल साइंस में, सभी का। बट मुझे लगता है कि उसी तरफ हमारी जो हेल्थ है वो एक साफ अंडरबेली है। हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो उतने हेल्दी नहीं है जितने हम चाहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में शीर्ष सफलता सजगता, सक्रियता, उद्यमशीलता तथा विशिष्ट प्रयासों से ही मिलती है। साथ ही सफलता की सार्थकता मानवीय सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता से ही संभव हो पाती है। एक्सेप्शनल लीडरशिप, इनोवेशन, विजन, दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट विद हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस एनीथिंग इज पॉसिबल। Under the leadership of our country, our witnesses remarkable progress, and we are confident that they will continue to work towards achieving even greater heights. We also recognize our achievers who have excelled in their respective fields. They have set high standards. हमारे दो संस्थाएं आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपने अच्छे लोगों को सिलेक्शन करके इतना अच्छा कार्यक्रम करके मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मुझे जो बुलाकर या सम्मान किया उसके लिए भी अभिनंदन करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। रुके तो चांद जैसी, चले तो हवाओं जैसी, माँ ही है इस दुनिया में भगवान जैसी। चंडीगढ़ में मदर्स डे के मौके पर फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें विनर पायल कटारिया को घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बलकार सिंह सिद्धू, सतवंत कौर, ऋतु गर्ग और नीत संधू ने शिरकत की। माँ जड़ी हुंदी है ना, माँ दा कोई देन नहीं दे सकता, माँ वास्ते कोई शब्द ही नहीं मेनू लगता कोई। अपा सारिया मावे बैठिया ने, बड़िया खूबसूरत मावा बैठिया ने, ते माँ दा कोई शब्द है ही नहीं है, कोई एदा कोई देन दे ही नहीं सकता गा। माँ जड़ी है बस ओदे बारे ते की मैं कहना कुछ, क्योंकि सारिया अपा तुसी सारे समझदार हैगे हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैनू इन्होंने बहुत वधिया अज मौका दिता थोनू सारिया नू मिलन दा। दो पल के गुस्से के असी पता नहीं अपनी जिंदगी खत्म करके बह जाने, देखो किसी को कोई फर्क नहीं पैंदा।
नहीं पैंता ना असं मर जाएंगे किसी कोई फर्क नहीं पैना जिसे पिछले असं मर रहे हैं जी जो प्रॉब्लम आ वह तो चली जाएंगी लाइफ च पर सानू मैं लगता कि सानू इन्ना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इन चीज़ों वास्ते कि एक स्ट्रोंग वूमेन बन के सानू उभरना चाहिए समाज के तो ये जिन्या भी बीबिया बैठिया ने मैं लगता कि बहुत ही स्ट्रोंग ने यह सारिया पढ़िया लिखिया सारिया सोझवान तो बाकी होर भी चाहिए कि नहीं जी जी साढ़े होर रिश्तेदारी के इदा माड़िया मोटिया है तो सूँ लगता कि सूँ कित ना कि उन्होंने काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए आ जे कोई किसी भी तरह कोई टेंशन चा कोई डिप्रेशन चा तो मैं लगता कि उन्होंने माड़ा जी दो बोल बोलन के नाल ही जो गुस्सा होएगा वो टैला हो जाएगा तो मैं लगता है कि वह यहोजा स्टैप नहीं चकेगा मैं खुश नसीब हाँ कि मैं इन्होंने दिन स्क्रीन साझी करने का मौका मिलेगा क्योंकि साढ़े थिएटर के थोड़ा सबू पता है कि इन्ने मंजे हुए इन्ने वधिया कलाकार थिएटर के तुम ये मैं यही गल कह सकते मैं कह सकती कि मैं इन्ने जमीन कलाकार काम करने का मौका मिले मेहरबानी धन्यवाद थोड़ी ग्रेटनेस देखो कहते हैं कि संसार में सब तो खूबसूरत तो खूबसूरत शै कड़ी है चीज़ कड़ी है तो उन्होंने कहते हैं अशरफुल मखलूकात परशियन दे विच जिहदा मतलब कि दुनिया की सब तो खूबसूरत रचना तो वह जो परमात्मा ने भगवान ने ईश्वर ने वाहगुरु ने बनाई है तो वह महिला बनाई है औरत बनाई है और भी जिहड़ा सब तो वड्डा मुकाम वह माता नूं जांदा मदर नूं जांदा माँ नूं जांदा एक माँ होना सच्ची बड़ी भागना बड़ी किस्मत वाली गल देखो सृष्टि की रचना परमात्मा करता ना तो इदा का ही गुण माँ चा जी अगे सृष्टि चलाउंदी आ ते जिहड़े अगे जन्म दिंदी आ अगे बच्चों नूं तो यह बेड़ा जरा है ना उपकार वाला दुनिया के उत्ते तो यह सेवा निभाउण दा मौका औरत नूं महिला नूं इस्त्री नूं त्रीमत नूं जनानी नूं वूमन नूं लेडी नूं ही मिलता है और कई बार तो मैं सच्ची जैलसी हो जाती है कि मैं रब न पूछूंगा भी काश अगली बारी जो तू मैं जन्म देना ना तो मैं काइंडली एक महिला बना एक औरत बना इतने आके मैं बहुत खुशी हुई है बहुत अच्छा लग रहा है इतने मदर्स डे का प्रोग्राम है तो सब हैप्पी मदर्स डे पहला तो मावं वह होंदिया ने जिन्होंने बच्चों जन्म दिता होंगे तो मावं बिना तो जिंदगी अधूरी लगती है बच्चों तो मावं बिना बहुत कुछ होंदा हैगा भी लाइक आप सोचते हैं भी लाइक मावं साढ़े लिए माड़िया ने या चंगिया ने भी आप काफ़ी बच्चे इदा उन्हें ठुकरा के चले जाते हैं मावं बट साडा एक ही मतलब हैगा भी लाइक मावं बिना बच्चे की जिंदगी अधूरी हैगी है क्योंकि बच्चा जिहड़ा अपनी जिंदगी हैगा वह अधूरी मनता हैगा क्योंकि एक छोटी जी गल होंदी है जब माँ अपने बच्चे पेड़ के 9 महीने रखती है उस टाइम माँ को पता लगता भी दर्द की होंदा हैगा सब तो वड्डी चीज़ यही होंदी है भी लाइक आप एक चीज़ सोचते रहते हैं भी लाइक असी आ चीज़ करनी है क्योंकि जे अगर माँ ना हो तो अपने बच्चे की कमी कोई पूरी नहीं भी कर सकता इस मौके पर डांस म्यूजिक मस्ती फोटोशूट रैंप वॉक और गेम्स भी आयोजित की गई जिसमें सभी ने माताओं और बच्चों ने काफी आनंद उठाया अली शाबास कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला ही नंबर नाम
वरिष्ठ नागरिकों के एक गैर लाभकारी स्टार्टअप ग्रे शेड्स फॉर सीनियर सिटीजन के संस्थापक इंद्रप्रीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता में ग्रे शेड्स फेलोशिप का चौथा संस्करण शुरू करने की घोषणा की। Where we are introducing through you to the world about grey shades and उसका जो काम हमने किया है। Grey shades एक 6-month long curriculum based experiential learning program है। After retirement जो senior अपनी life को और बेहतर बनाना चाहते हैं, वो इसको join कर सकते हैं। जिसमें उसका उनके physical, mental health के ऊपर focus रहता है, social, emotional. Idea is to renew their spirit and repurpose their life. They should live a life with purpose. Teen cheezon pe hum focus karte hain: fulfillment, goodness, and grace. I guess aapne bhi dekha hoga aur aap bhi notice karenge ki cheeze bahut jaldi se badal rahi hai. The rate of change, the things are happening is very fast. I belong to a village jitne mere pinda naam Chabala, Amritsar de lage. मैं रूरल लाइफ से मेरा चाइल्डहुड होते रहा, असी सारा परिवार इकट्ठे सीगे। जो 18 तक पहुंचे सारा परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया, सो एकदम पिंड तो शहर से शिफ्ट हो गए। और शहर से फिर मैं हम दिल्ली लगा के आ गया, एक साल अपनी पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ वापस आ गया। इन तिना चीजा च और इन साल च मैं देखा कि एकदम सारी चीजा शिफ्ट हो रही है। सीनियर्स वर टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली विद इन द फैमिली, तीन जनरेशन पोते, उन्होंने बच्चे और सीनियर सिटीजन, थ्री जनरेशन यूज्ड टू लिव टुगेदर। आज दे टाइम से घर से बच्चे नहीं है, वी आर फोर सिबलिंग। मैं किसी को कंप्लेन नहीं करा, सी चार पॉइंट ब्रामा अमृतसर से पेरेंट्स से बोल कोई नहीं है, बट वो जब रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि असली अपनी अपनी जगह, एंड वी कैन नॉट ब्लेम यंग पीपल। वी हैव टू मेक सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस वेयर सीनियर हैव देयर ओन सोशल सिस्टम्स ग्रे शेड्स फॉर सीनियर सिटीजंस के फेलोशेड ने ग्रे शेड्स के तीसरे फेलोशिप कार्यक्रम को लेकर अपने प्रेरक अनुभव साझे किए। कई वरिष्ठों ने कहा कि उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि इस अद्वितीय ग्रे शेड्स कार्यक्रम में शामिल होने से पहले वे विभिन्न कारणों से अकेलेपन की भावना और अवसाद से जूझ रहे थे। वरिष्ठों ने कहा कि फेलोशिप में भाग लेने से उनके जीवन में बेहतर बदलाव आया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है रिटायर्ड कर्नल हैं, उनकी वाइफ हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दो एनजीओ चलाते हैं यहाँ सेक्टर 28 में। तो मैं घर में बड़ा बोर हो जाती थी, और जब ये कोरोना हुआ है तो लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। फिर हमारे एक फ्रेंड ने ये कोर्स नंबर 2 किया था, उन्होंने मेरे को बोला कि वाई डोंट यू गो एंड ज्वाइन। फिर मैंने अपना मन बना लिया, मैंने किसी से नहीं पूछा, ना बच्चों से ना हस्बैंड से, तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरे बच्चे बहुत खुश हुए कि मम्मी एटलीस्ट आप बाहर निकलो। से घर के अलावा कभी कुछ चीज़ सोच नहीं पाती थी, अब मैंने जब ज्वाइन किया और इतनी सारी चीज़ें सीखी, और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं पहले कर चुकी हूँ, तो उसको मैंने धीरे धीरे अब ऊपर लाना चालू किया, खुश रहना सीखा। नहीं तो चुपचाप पड़े रहना, नहीं तो टीवी देख लिया, बस इतना ही होता था। लेकिन अब मैं बाहर निकलती हूँ, लेडीज़ से मिलती हूँ, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है वो देती हूँ, और एनजीओ जाना चालू किया है जिसमें मैं काफ़ी लेडीज़ को कुकिंग सिखाती हूँ। पीछे मेरा मैसेज एक्सपायर हो गया था, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, तो मेरी बिटिया कैलिफोर्निया में है, तो मुझे वहाँ ले गई थी वो, तो वहाँ मैं सीनियर सेंटर वगैरह अटेंड किए थे वहाँ मैंने, तो यहाँ आने के बाद भी मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा है, तो मुझे फेसबुक में खबर मिली कि ऐसे ऐसे जो है ये है, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके रेदर रेस्ट करके फर्स्ट बैच मैंने अटेंड किया। फर्स्ट बैच में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, हाँ जी, और टीम में हम लोगों ने प्ले भी किया, आपका डांस थेरेपी थी, दूसरा स्पीकिंग थेरेपी थी, योगा थे, प्ले कराते थे, और अपडेट्स काफ़ी थे हमारे कराया। सो आई ज्वाइन, और जो मेरी फ्रेंड थी उसको चिकनगुनिया की प्रॉब्लम हो गई थी, शी कुंड कम, और सेकंड डे मैं कैसी भी आई कैब में, और मैंने क्लाइम किया, और धीरे 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 अपने आप को संभाल लिया मैंने, और मैं इंजॉय करने लगी। बैठे बैठे एक्शंस करती थी, ड्राइंग करती थी,
मतलब एक मेरे में स्ट्रेंथ आ गई थी। कहते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग हो तो फिजिकल अपने आप ही हो जाते हैं, और धीरे धीरे मैं फिजिकली स्ट्रांग होने लगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट ट्राइसिटी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में ट्राइसिटी से लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो वहीं समापन के दौरान ओवरऑल चैंपियन की घोषणा की गई। स्थान पर कमांडो बॉक्सिंग क्लब व दूसरे स्थान पर क्रॉसफिट एरिना क्लब व तीसरे स्थान पर एसडी स्कूल के खिलाड़ी रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रास रूट स्तर पर मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को तराश कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। विशेष रूप से किकबॉक्सिंग खेल पूरे भारतवर्ष में बेहद लोकप्रिय है और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के गुण और स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक गतिविधि है। हम 13 और 14 से ये फर्स्ट किक बॉक्सिंग का कप जो 2023 का ये हम करवा रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें सारी बाउटें फाइनली हैं, तो इसमें 150 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 10-15 जो हमारी एकेडमी है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इसमें मोहाली के, पंचकुला के और चंडीगढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10 साल की उम्र से लेके 18 साल के ऊपर तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 56 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्राई सिटी कप का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है, जो बच्चे हमारे ग्रास रूट स्तर पर मेहनत कर रहे हैं कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स में, उसी को हमने किक बॉक्सिंग खेल से शुरुआत करके हमारा एक प्रयास है कि पूरे चंडीगढ़ में और आसपास जिसे हम ट्राई सिटी के नाम से पुकार रहे हैं वहाँ तक इस खेल की पकड़ को ले जाया जाए। पिछले कुछ समय से ये खेल एशियन गेम्स में भी अभी आने वाला है और अच्छी खिलाड़ी, अच्छी प्रतिभा जो ग्रास रूट स्तर पर जो नहीं अभी तक ऊपर आ पा रहे थे उनके लिए एक मंच हमने तैयार करने की कोशिश की है। मेरा नाम जानवी शर्मा है, मैंने इजिप्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 2021 में -40 वेट कैटेगरी में, और अभी हमारे यहाँ पे सिटी में फर्स्ट टाइम ट्राई सिटी कप हो रहा है जो हमें हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम साध्वी शर्मा है, मैंने इजिप्ट में वर्ल्ड चैम्पियन में गोल्ड मेडल जीता है 2021, और अभी यहाँ पे ट्राई सिटी के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होने चाहिए हर सिटी में।